हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बच्चों के स्वेटर में ये हैंड वार्मर कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से ऊपर से लगाया जाता है ताकि बच्चे जब ठंड में पहने तो अपने हाथ को इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर लें। आप चाहे तो इसे छोटा बना सकते हैं, चाहे तो बड़ा बना सकते हैं, चाहे जैसे बना सकते हैं। ये जेब का भी काम करता है और आप चाहें तो पूरे स्वेटर की जो आगे का पोर्शन है उसकी लंबाई के हिसाब से बना सकते हैं। साइड से फंदे घटाते जाएँ और फिर ऊपर इसे हम यहाँ पर अटैच करते हैं, और इस तरह से अटैच करते हैं कि पता नहीं चलता इसकी सिलाई किस तरह से हुई है। फंदे उठाने के बाद आप एक एक फंदा थोड़ा सा बुन के एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाते जाएं, और जितनी लंबाई का आपको चाहिए उतनी लंबाई तक होने पर आप इसे रोक दें। और फिर उसके बाद कैसे उतारना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप चाहें तो इस हैंड वार्मर में कोई और डिज़ाइन डाल सकते हैं, या फिर बैक साइड के डिज़ाइन से मैच करते हुए यहाँ पर आप डिज़ाइन डाल सकती हैं। कैसे भी बना सकती हैं इसे आप। तो देखिए, इसे उतारेंगे कैसे। इसका जितना लंबा, इसकी जितनी लंबाई है, ये देखिए इसकी लंबाई यहाँ पर आ रही है, तो थोड़ा सा हम इसे शिफ्ट करेंगे इस तरह से। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो फंदा है, देखिए यहाँ पे मैंने इस सुई में धागा डाल लिया है, इसे तोड़ के ये जो फंदा है इसमें हम पहले अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से सुई निकालेंगे। देखिए ये सुई मैंने यहाँ से डाली है और ये मैंने बाहर निकाली है, देखिए बाहर निकाली। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो लंबाई है, यहाँ पे हमें इसे उतारना है इस तरह से। तो ये रो, जिस रो से ये पहला फंदा मैच हो रहा है उस रो में कोई भी एक इस तरह से हम फंदे को उठाएंगे। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए ये आपको इस तरह से ये फंदा दिख रहा है आपको, इसे हमें इस तरह से उठाना है, इस तरह से उठाना है और ऐसे हम फंदे को करेंगे। देखिए इसे पास में से ले लेंगे, देखिए। अब क्या करना है, ये जो पहला फंदा है जिसमें आपने अभी अंदर से बाहर की तरफ सुई डाली थी, अब देखिए बाहर से ऐसे सुई डाल के फंदे को गिरा देंगे। अब अगले फंदे में इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ, ये अंदर का हिस्सा है, देखिए अंदर से बाहर की तरफ इस तरह सुई को निकालेंगे। अब देखिए इस फंदे के बाद जो अगला फंदा है उसे हम लेंगे इस तरह से पूरा, ये देखिए दो धागे हैं, इसे हमने लिया इस तरह से और बाहर निकला। और उसके बाद फिर इसमें बाहर से अंदर की तरफ सुई इंसर्ट करेंगे और इसे उतार देंगे। फिर इस सुई को अगले फंदे में अंदर से बाहर की तरफ ऐसे निकालेंगे और खींचेंगे बाहर, ये देखिए। अब देखिए इसके बाद वाला फंदा, इसे हम इस तरह से लेंगे, पूरा फंदा लेंगे, जो ऊपर वाला लेंगे वो पूरा फंदा लेंगे, इसे हम इस तरह से। फिर इस फंदे में हम बाहर से अंदर की तरफ सुई डालेंगे इस तरह से, देखिए। और फिर अगले में देखिए, उसके बाद अगला फंदा पीछे से उठाएंगे और सुई को बाहर निकालेंगे। फिर इस फंदे में बाहर से अंदर की तरफ सुई डालेंगे इस तरह से, और फिर अगले फंदे में इस तरह से, देखिए। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल पता नहीं चल रहा, एकदम बहुत अच्छे से ये उतर रहा है। फिर अभी हमने इस फंदे के बाद अगला इस तरह से उठाएंगे यहाँ से और इसे निकालेंगे बाहर। फिर यहाँ इस तरह से इंसर्ट करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ ने सुई डाली, अब हम अंदर से बाहर की तरफ सुई को निकालेंगे। फिर इस तरह से देखिए अगला फंदा इस तरह से लेंगे, फिर इस फंदे में बाहर से अंदर की तरफ, फिर अगले में अंदर से
बाहर की तरफ इस तरह से। और इसी तरह हम सारे फंदों को उतारेंगे। ये देखिए, ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। नेक्स्ट पूरा फंदा नीचे से देखिए। ये एक चोटी जो है एक फंदे से बनती है, तो इसलिए हम पूरा दोनों फंदा एक ही साथ लेंगे। बहुत आसानी से ये उतर जाता है। और ठंड में अक्सर बच्चे खेलते हैं तो उनके हाथ ठंडे रहते हैं, तो इस कंडीशन में ये इसमें हाथ रख सकते हैं, बच्चों का हाथ गर्म रहेगा और बहुत अच्छा लगता है। इस स्वेटर में भी जेब की तरह भी काम करता है ये। ये लास्ट वाला फंदा है, देखिए। अब इसे हम इस तरह से बाहर निकालेंगे और स्वेटर में इसे पीछे की तरफ सुई ले जाके टांग देंगे। ये देखिए, उतारने में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, एकदम बहुत अच्छे से उतर गया है, देख सकते हैं। तो अपने बच्चों के स्वेटर में ये हैंड वार्मर बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।